हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपत्तियों पर सुनवाई, निर्णय 10 दिन बाद। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर आपत्तियों पर 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पूर्व गुरुवार को नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर गुलाब सिंह चौहान ने सुनवाई की। कुलपति प्रोफेसर चौहान ने सुनवाई में मौजूद आपत्ति दर्ज करवाने वाले प्रत्याशियों का पक्ष जाना व मतगणना के दौरान लिए गए कुछ वीडियो फुटेज भी देखे। अब कुलपति के मौखिक आदेश के बाद 13 अक्टूबर को होने वाला निर्णय 10 दिन बाद लिया जाएगा। दरअसल अध्यक्ष पद के पराजित एबीवीपी प्रत्याशी मूल सिंह ने तत्कालीन कुलपति के समक्ष अपील दायर कर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी की ओर से उसका नामांकन खारिज करने की अनुशंसा पर पुनर्विचार की मांग की थी। साथ ही छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी की बीटेक डिग्री में संदिग्ध बताते हुए कई सेमेस्टर में फेल होने के बावजूद महिला अध्ययन केंद्र में प्रवेश देने संबंधी दस्तावेज पेश कर चौधरी का नामांकन रद्द करने की भी मांग की थी। इसके बाद वीवी की ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी ने कुलपति को सौंपी रिपोर्ट में मूल सिंह राठौड़ का नामांकन खारिज करने की सिफारिश की थी। इन आपत्तियों पर 13 अक्टूबर को निर्णय आने वाला था, लेकिन अब यह 10 दिन बाद आएगा। गुरुवार को कुलपति कक्ष में हुई सुनवाई में आपत्ति दर्ज करवाने वाले सभी प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।